हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि परमार और आप देख रहे हो MR हेल्प एजुकेशन सपोर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको GSTR 1 फाइल करना है तो वो आप कैसे फाइल करोगे। हालांकि आगे भी हमने वीडियो बनाई थी, लेकिन ये वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे पूरी GSTR 1 की डिटेल आपको डालनी है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है GST का जो पोर्टल है उसके ऊपर आ जाना है, जो है gst.gov.in। ओके, वहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना है। आपका जो भी GST नंबर है यहाँ पे आपको आपकी जो भी जो डिटेल है, यूज़र नेम है तो यूज़र नेम डाल देना है, और पासवर्ड है तो जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड डालना है। देन जो भी कैप्चा कोड आपको बताया गया है वो कैप्चा कोड आप एंटर करोगे। रिटर्न डैशबोर्ड वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि रिटर्न आपको जो फाइल करना है वो किस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा 21-22। ओके, क्योंकि हमें मार्च के लिए रिटर्न फाइल करना है और उसका जो भी क्वार्टर है वो क्वार्टर अपने आप पिक हो जाएगा। देन आप जो भी पीरियड के लिए, हमारे लिए है मार्च, तो मार्च हमने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे सर्च क्लिक करेंगे। जहाँ तक बात है रिटर्न फाइलिंग की, तो GSTR 2A और GSTR 2B, ओके, वो दोनों आपके जो भी इन्वर्ट होते हैं, मीन्स आपका जो परचेज होता है, वो परचेज का जो भी इनवॉइस रेज किया होगा, आपने जिनसे परचेज़ किया होगा, तो वो इनवॉइसिस आप यहाँ पे देख पाओगे। और 2B में उसकी ITC की डिटेल, मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी है उसकी डिटेल मिल जाएगी। GSTR 1 है जो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल ही देता है, वो सप्लाई गुड्स की भी हो सकती है और सर्विस की भी, मीन्स आपने किसी को सर्विस दी थी या फिर गुड्स सप्लाई किया था और उसके ऊपर आपने टैक्स इनवॉइस रेज किया था, तो वो वाले केस में वो सारे जो आउटवर्ड मीन्स सप्लाई है उसकी डिटेल आपको GSTR 1 में देनी है। ड्यू डेट आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। ओके, तो सिंपली आपको प्रिपेयर ऑनलाइन वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। चलिए, यहाँ पे आपको कई सारे टेबल नज़र आएंगे। पहले वाला जो टेबल है उसमें आपको B2B इनवॉइस की डिटेल देनी है, मीन्स जो भी रजिस्टर्ड पर्सन को आपने सप्लाई किया है तो उसकी डिटेल आपको ये वाले टेबल में प्रोवाइड करनी है। B2C लार्ज रहेगा वो वाले इनवॉइस जहाँ पे आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है और वो आउट स्टेट से बिलोंग करते हैं और इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा बनती है, तो वो वाले केस में आपको B2C लार्ज में वो डेटा डालना है कि B2C लार्ज ओनली इंटरस्टेट सप्लाई के लिए है और वो भी 2.5 लाख से ज़्यादा वैल्यू होगी, तो अदरवाइज़ B2C अदर्स में ही आपको सारी डिटेल डालनी है। चलिए, एक्सपोर्ट इनवॉइसिस की तब ज़रूरत पड़ेगी जब आप किसी सेज में सप्लाई करते हो या फिर आप जो हमारी जो टेरिटरी है, मीन्स इंडिया से बाहर कहीं पे आप गुड्स या सर्विसेज दे रहे हो, वो वाले केस में आपको एक्सपोर्ट इनवॉइसिस में डिटेल डालनी पड़ेगी। चलिए, नील रेटेड सप्लाई में आपको जो भी जिसके ऊपर 0% लगता है, जो गुड्स या सर्विसेज GST में एग्जेम्प्ट कंसिडर किए गए हैं, और जो नॉन GST गुड्स होंगे जो भी आप सप्लाई करते हो, तो उसकी डिटेल आपको ये 8 वाला जो टेबल है नील रेटेड सप्लाई उसके अंदर देनी है। मैं 1 by 1 ये सारे डिटेल में भी अभी बताऊंगा, अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सारे टेबल का। देन क्रेडिट नोट और डेबिट नोट आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, जिसने GST में रजिस्ट्रेशन लिया है, उसको आपने क्रेडिट नोट दी है या डेबिट नोट दी है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। ओके, वैसे ही अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने क्रेडिट नोट या डेबिट नोट दी है तो उसकी भी आपको यहाँ पे मीन्स डिटेल देनी पड़ेगी। ओके, अभी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊँ तो समझ लीजिए, आपने किसी को माल बेचा था और वो माल में से कुछ माल डैमेज था या किसी भी वजह से उसने वापस भेजा है, तो वहाँ पे आपको क्रेडिट नोट जनरेट करनी पड़ती है, और वही केस में जिसने आपसे खरीदे था वो आपको डेबिट नोट देगा। ओके, वैसे ही रजिस्टर्ड पर्सन को जैसे क्रेडिट नोट डेबिट नोट देते हैं वैसे ही अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी दी जाती है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, इतनी सिंपल सी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। देन टैक्स लायबिलिटी की बात करें, एडवांस
आपने किसी से रिसीव किया है, ओके, तो वो एडवांस अगर आप रिसीव करते हो तो उसके ऊपर भी टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो जिसका बिल आपने अभी तक रेज नहीं किया लेकिन एडवांस आपको मिल गया है, तो वो वाले केस में आपको उसकी भी डिटेल ये वाले 11वां जो टेबल है उसके अंदर देनी पड़ेगी। जहाँ तक बात है 11B की, तो वो एडजस्टमेंट होता है एडवांस का, मीन्स पिछले महीने आपने एडवांस रिसीव किया था और ये महीने में आपने बिल जनरेट करके दिया है और अभी वो एडजस्ट करना है आपको, तो वो वाले केस में पिछले महीने में जो भी एडवांस लिया था उसके एडजस्टमेंट की डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। देन HSN वाइज समरी आपको प्रोवाइड करनी है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का HSN नंबर क्या है और कितनी टैक्सेबल वैल्यू थी, उसके ऊपर GST कितना है वगैरह डिटेल आपको HSN वाइज समरी में देनी है। देन डॉक्यूमेंट इश्यूड आपने जो भी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, टैक्स इनवॉइस वगैरह जो भी रेज किए हैं तो उसकी भी 1x1 आपको डिटेल देनी है। तो ऐसे कुछ टेबल हैं जो आपको यहाँ पे बताने होंगे। पहले हम बात करेंगे B2B इनवॉइस की, ओके। इसके अंदर अगर एक्सेस करते हैं, एड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या डीम्ड एक्सपोर्ट हो रही है, नहीं डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं हो रही। डीम्ड एक्सपोर्ट किसे माना जाएगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में आप सप्लाई करते हो तो उसे डीम्ड एक्सपोर्ट कंसिडर किया जाएगा। उस पर आप टैक्स पे करोगे लेकिन आपको रिफंड मिल जाता है, और कई केसेस में आप टैक्स ना पे करो वो वाला ऑप्शन भी होता है, ओके। देन सेज का ऑप्शन जो हमने ऑलरेडी जब रजिस्ट्रेशन किया था तभी बताया था कि हम कभी भी सेज में सप्लाई नहीं करने वाले, तो वो ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल है, ओके। सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्जेस, अच्छा ये जो भी सप्लाई हुई थी उसमें क्या रिवर्स चार्ज लगता है, अगर नहीं लगता है तो वो वाले केस में यहाँ पे हमें अनचेक ही रहने देना है। देन यहाँ पे एक ऑप्शन है इंट्रा स्टेट सप्लाई अट्रैक्टिंग IGST, ओके। जहाँ पे इंट्रा स्टेट ही सप्लाई हो रही है लेकिन फिर भी IGST लगता है वो वाले केस में, तो वो भी हमें एप्लीकेबल नहीं है। जो एप्लीकेबल है उसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, रिसिपियन GSTN नंबर मीन जिनको भी आपने बिल दिया था, टैक्स इनवॉइस दिया था, तो आपको आपके पास टैक्स इनवॉइस होगा उसे भी आप देख सकते हो। कम बिल है तो आपके पास 10-15 बिल है तो वो आप ये ऑनलाइन फाइल करोगे, अदरवाइज ऑफलाइन भी फाइल किया जाता है, तो वो डिटेल आपको अगर आपके पास बिल है तो वहाँ से देखनी है, या कहीं और कोई डेटा है तो डेटा से डिराइव करनी है। तो GSTN नंबर आप डालोगे जिनको भी आपने बिल रेज किया है उनका, जैसे GSTN नंबर डालोगे उसका रिसिपियन नेम अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ओके। देन ये कुछ डिटेल है वो भी अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देन इनवॉइस नंबर जो भी है वो आपको डालना है यहाँ पे, ओके। देन इनवॉइस डेट जो होगी वो डालनी है, और इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू बोले तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस CGST, SGST या IGST जो भी लगता है, तो वो पूरे टैक्स के साथ जो वैल्यू होगी उसे बोला जाएगा टोटल इनवॉइस वैल्यू, तो वो यहाँ पे आपको डालनी है, ओके। प्लेस ऑफ सप्लाई में आपको बताना है कि कौन से स्टेट में आपने सप्लाई किया है रजिस्टर्ड पर्सन को, ओके। तो यहाँ से अगर इंटरस्टेट किया होगा तो भी उसकी डिटेल मिल जाएगी, अगर आप चंडीगढ़ यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे सप्लाई टाइप अपने आप इंटरस्टेट हो जाएगा, ओके। अगर गुजरात से आप बिलोंग करते हो और गुजरात में ही आपने सप्लाई किया है तो वो वाले केस में वो इंट्रास्टेट अपने आप ही पिक कर लेगा, ओके। तो ये अपने आप ही ये डिटेल यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, तो स्टेट पिक करना है, ओके। और कुछ डिटेल भी नई जोड़ी गई है लेकिन अभी के लिए हमारे लिए ये यूज़फुल नहीं है तो वो हम नहीं डाल रहे। अच्छा, यहाँ पे जो भी टैक्सेबल वैल्यू मीन्स एक बिल आपने रेज किया है वो बिल के अंदर 5%, 12%, 18% वो सारे टैक्स हैं, तो 1x1 सारी डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी, ओके। 5% है तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा कि मैंने 50,000 का जो माल बेचा है उसके ऊपर 5% लगता है, तो जैसे 50,000 डालोगे CGST SGST अपने आप कैलकुलेट होगा, जैसे कि आपने स्टेट सिलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से यहाँ पे CGST SGST या फिर IGST अपने आप रिफ्लेक्ट होगा, ओके। जहाँ तक बात है सेस की, तो कुछ डीमेरिट गुड्स होते हैं उसके ऊपर सेस लगती है, जैसे टोबैको वगैरह है, एरेटेड ड्रिंक्स है, तो वो अगर बेचते होंगे आप तो आपको पता होगा कि कितनी सेस लगती है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, अदरवाइज़ इसे छोड़ना है। वैसे ही 12% का माल बेच रहे हो तो उसकी भी डिटेल देनी है, 18%, तो जो भी मीन्स एक बिल रेज किया है किसी पार्टी को आपने, उसके अंदर जितने भी परसेंटेज में आपको मीन्स टैक्सेस बता रहे हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे वो डिटेल डालनी पड़ेगी, ओके। तो जैसे ही आप एक बिल ऐड करोगे, वैसे ये मैं आपको सिर्फ डेमो बता रहा हूँ, इस हिसाब से मैं इसे सेव नहीं करने वाला हूँ, ओके। अगर सपोज़ आप इसे सेव करते हो तो एक डिटेल आपको नीचे जो रिकॉर्ड आपने ऐड किया होगा वो आपको नीचे मिल जाएगा,
देन दूसरा बिल है उसकी डिटेल, मीन्स महीने में जितने भी बिल आपने रेज किए होंगे उसकी डिटेल आपको ऐड रिकॉर्ड से वन बाय वन सारे बिल डालने हैं। ओके, सारे बिल आपने एक बार डाल दिए देन आपको बैक करना है। तो पहला जो आपका टेबल होगा वो आपने कंप्लीट किया होगा तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, देन जहाँ तक बात है बी टू सी लार्ज की, तो वो मैंने बताया था कि अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को और जिसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है तो वही रिकॉर्ड आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। आपको ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, अगर ऐसा कोई बिल है तो यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी। प्लेस ऑफ सप्लाई में आप जो स्टेट से बिलोंग करते हो वो स्टेट आप पिक नहीं कर पाओगे क्योंकि ये इंटरस्टेट सप्लाई, देखिए गुजरात यहाँ पे मैं पिक नहीं कर पाऊँगा, बाकी सारे स्टेट आप पिक कर। तो सपोज़ हमने दिल्ली में सप्लाई किया है तो दिल्ली पिक करेंगे और इनवॉइस नंबर जो भी है वो यहाँ पे डालना है, इनवॉइस डेट जो है ये यहाँ पे डालनी है। देखिए यहाँ पे इंटरस्टेट ही रहेगा, टोटल इनवॉइस वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पे डालना है, वो मैंने अभी आपको समझाया था क्या है टोटल इनवॉइस वैल्यू। देन जिस हिसाब से आपने बी टू बी में डिटेल डाली थी वैसे ही यहाँ पे बी टू सी डालना है, सिर्फ यहाँ पे जी एस टी नंबर मेंशन करना नहीं है। ओके, और ये बी टू सी डिटेल है, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँ कि बी टू सी लार्ज रहेगा, वो 2.5 लाख से ज़्यादा वैल्यू का माल अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को स्टेट के बाहर बेचा होगा तब। तो तीन कंडीशन है, एक अनरजिस्टर्ड को माल बेचा था, स्टेट के बाहर बेचा था और उसकी 2.5 लाख से ज़्यादा वैल्यू है तो ही यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड करनी है, अदरवाइज़ यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड नहीं करनी। चलिए इसे भी करेंगे बैक। ढाई लाख से भले ही कितनी भी वैल्यू हो लेकिन स्टेट में ही उसे अगर सप्लाई किया है अनरजिस्टर्ड को तो बी टू सी अदर्स में देना। तो अगर यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर क्या डिटेल मिल रही है चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे भी अगर आप ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो सारी डिटेल कौन सी फीड करनी है वो आपको नज़र आएगी। देखिए पहली चीज़ बी टू सी स्मॉल है ये, तो यहाँ पे कोई भी स्टेट आप पिक कर पाओगे। ओके, जिसमें गुजरात भी आ जाएगा। ओके, तो जैसे गुजरात में ही हमने सप्लाई किया है और जिसकी टैक्सेबल वैल्यू हम एक्स वाई जेड डाल देते हैं अभी कि समझ लीजिए 5 लाख है, 5 लाख टैक्सेबल वैल्यू है, इंट्रा स्टेट सप्लाई अपने आप पिक कर लेगा। देन रेट यहाँ पे डिफाइन करना है आपको कि 5% के हिसाब से मैंने माल बेचा है तो CGST और SGST अपने आप कैलकुलेट कर लेगा और ये एंट्री सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे वैसे बिल ही आपको डालने हैं जो स्टेट में ही जिसका सप्लाई हुआ है भले ही कितनी भी वैल्यू है, और अगर इंटरस्टेट सप्लाई हो रहा है तो वो वाले केस में 2.5 लाख से ज़्यादा की वैल्यू के जो बिल होंगे वो बी टू सी लार्ज में होंगे, यहाँ पे 2.5 लाख से कम वैल्यू के इंटरस्टेट वाले बिल होंगे और वो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को। चलिए यहाँ पे बैक करेंगे। चलिए एक जो टेबल था एक्सपोर्ट इनवॉइस वाला उसको देख लेते हैं। एक्सपोर्ट इनवॉइस पे अगर क्लिक करते हो तो वहाँ पे ये कुछ डिटेल है जो आपको पढ़नी है, तो अगर कुछ उनके जो गाइडलाइन है वो यहाँ पे बताई गई है कि कौन सी डिटेल यहाँ पे डालनी है वगैरह वगैरह, तो ओके करेंगे। देन यहाँ पे भी ऐड रिकॉर्ड पे अगर आप जाते हो तो आपको बताया जा रहा है कि आपको जो भी सेज में सप्लाई किया होगा या फिर आपने इंडिया से बाहर कहीं पे सप्लाई किया है तो उसकी डिटेल इनवॉइस नंबर देना पड़ेगा, इनवॉइस डेट देनी पड़ेगी, पोर्ट कोड जिस पोर्ट से आपने इसे एक्सपोर्ट किया है, शिपिंग बिल वगैरह जो भी है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करोगे तो ये सारी डिटेल होती है तो जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको पता ही होगा। देन टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे डालनी है, देन इंटरस्टेट सप्लाई रहेगा ये, और यहाँ पे बताया जा रहा है देखिए GST पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स मीन्स यहाँ पे जो भी टैक्स आप एप्लीकेबल होगा वो लगाओगे और ये बिल रेज कर दोगे और टैक्स भी आप गवर्नमेंट में पे करोगे लेकिन बाद में आपको ये रिफ़ंड मिल जाता है। ओके, और दूसरा ऑप्शन होता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उसमें आपको मींस एक फॉर्म वगैरह जो होता है RFD, मुझे जहाँ तक याद है RFD फॉर्म होता है वो आपको डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है और वहाँ से आपको अप्रूवल मिलेगा कि आपको कोई टैक्स पे नहीं करनी है। देखिए IGST और CS दोनों यहाँ से निकल गया है। ओके, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू ही डालनी है, आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा लेकिन उसके लिए वो लेटर वगैरह RFD लेटर वगैरह वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है, कुछ कंप्लायंसेस, अदरवाइज़ आप टैक्स पे करने के साथ भी ये सारी चीज़ें देखें विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे जैसे आप डिटेल डालोगे
जैसे 3% वाला 5% वाला माल मैंने 1 लाख का सेज में सप्लाई किया था सपोज़, तो देखिए 5,000 यहाँ पे वैल्यू मिल जा रही है। लेकिन जहाँ पे मैं पिक करता हूँ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो यहाँ पे मैं अगर 1 लाख भी डालता हूँ तो देख लीजिए यहाँ पे कोई टैक्स नहीं पे करना होगा। तो दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं, ये ऑप्शनल है, आप जो भी आपको सूटेबल हो, आप जिस हिसाब से कंप्लायंसेस करते हो वो आपको यहाँ पे बताने हैं, ओके। और यहाँ पे भी इसे सेव करना है, तो वैसे एक्सपोर्ट वाली जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। देन नील रेटेड सप्लाई या फिर एग्जेम्प्टेड सप्लाई या ऐसी कोई सप्लाई की है तो आपको यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड करनी है। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप 0% से कोई माल बेच रहे हो जिसे नील रेटेड बोला जाता है, तो कई लोग क्या करते हैं कि जो B2B वाला जो ऑप्शन था, पहला टेबल था, उसके अंदर वो 0% क्योंकि वो भी टैक्सेबल ही है, तो वो टैक्सेबल वाली वैल्यू वहाँ पे बता देंगे, देन वहाँ पे 0% भी पिक करेंगे, तो वो गलत है। आप कोई भी नील रेटेड सप्लाई करते हो तो वो वाले केस में वो सारे नील रेटेड की डिटेल यहाँ पे ही देनी है आपको, B2B में वो डिटेल नहीं बतानी है, अदरवाइज़ वही चीज़ें आपके 3B में रिफ्लेक्ट होती है। तो 3B में आपका जो टैक्सेबल मीन्स जहाँ पे टैक्स लगता है वो वाली वैल्यू में वहाँ पे टैक्स भी बताना पड़ेगा, हालांकि टैक्स नहीं होगा। तो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊँ तो 0% लगता है जिसके ऊपर, वो सारी डिटेल यहाँ पे ही प्रोवाइड करनी है उसकी टैक्सेबल वैल्यू, उसको B2B में आपको नहीं बताना है। जहाँ तक बात है एग्जेम्प्टेड और नॉन GST की, तो वो तो यहाँ पे ही बताना है। देखिए नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड या नॉन GST आपने स्टेट में ही रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। अगर अनरजिस्टर्ड को आपको आपने प्रोवाइड किया है तो यहाँ पे उसकी टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। तीनों के जो भी एप्लीकेबल होंगे आपको अपने हिसाब से यहाँ पे डालनी है, ओके। तो आपके अकाउंटेंट के पास से आपको ये डिटेल मिल जाती है, तो वहाँ से ये डिटेल आपको फीड करनी है, ओके। अब यहाँ पे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट सेम, आपने जैसे इनवॉइसिस की डिटेल डाली थी वैसे ही यहाँ पे क्रेडिट नोट या डेबिट नोट की, रजिस्टर्ड पर्सन को आपने क्रेडिट नोट या डेबिट नोट रेज़ की है तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। अदरवाइज़ आपने कोई रेज़ ही नहीं की है क्रेडिट नोट या डेबिट नोट तो उसकी डिटेल नहीं देनी है। तो देखिए इनवॉइस के जैसा ही है, क्योंकि क्रेडिट नोट आप जब रेज़ करोगे तो वो इनवॉइस के जैसा ही होगा, कुछ वैल्यू उसमें कम हो जाती है, तो आपके बिल की वैल्यू कम करने के लिए ये चीज़ें होती है। तो वो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट हो तो सिर्फ डिटेल यहाँ पे जैसे इनवॉइस डाले थे वैसे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, ओके। वैसे ही अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्रेडिट नोट और डेबिट नोट रेज किए तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। देन एडवांस अगर आपने, देखिए ये अभी समझ लीजिए मार्च में किसी ने आपको एडवांस दिया था और उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। एड स्टेट वाइज डिटेल यहाँ पे बता रहा है, तो जो भी एडवांस मीन स्टेट वाइज बताना है यहाँ पे, जैसे समझ लीजिए गुजरात में से मैंने रिसीव किया था एडवांस, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि एडवांस जो रिसीव किए थे उसके ऊपर कितना परसेंटेज टैक्स लगता था या 3-4 टैक्स लगते थे, तो मीन्स एडवांस में पैसे रिसीव हुए तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है, जो सिंपली जैसे बिल रेज करते वैसे। तो अभी ये डिटेल देख लीजिए, ओके। और यहाँ पर आपको एग्रीगेट वैल्यू ही बतानी है पूरी, मीन्स गुजरात में जितने भी लोगों से आपने एडवांस रिसीव किया तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है, ओके। किसी और स्टेट से होगा तो उसकी डिटेल देनी है। चलिए तो ये आपने अगर एडवांस रिसीव किया होगा तो उसकी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। चलिए अभी ये जो एडवांस मार्च में आपने रिसीव किया, अप्रैल में वो एडजस्ट होगा, तो जब अप्रैल का रिटर्न फाइल करोगे उस वक्त आपको ये एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन में जाना है। देन ऐड स्टेट वाइज डिटेल में जाओगे आप और सिंपली यहाँ पे जैसे गुजरात में हमने जो भी मीन्स हमने एडवांस ली थी तो यहाँ पे फिर से गुजरात पिक करेंगे और जो भी एडवांस रिसीव की थी वैसी ही डिटेल सिंपली यहाँ पे डालनी है, तो अपने आप वो एडजस्ट हो जाएगा, वो पोर्टल अपने आप डिसाइड कर लेगा ये पिछले महीने का एडवांस था और ये पार्टी ने अप्रैल में इसे एडजस्ट कर लिया है, ओके। HSN वाला जो भी टेबल है उसमें HSN वाइज आपको डिटेल देनी पड़ेगी, तो HSN नंबर जैसे डालोगे तो ये सारी जो डिटेल है वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देन यहाँ से ड्रॉप डाउन से आपको
क्वांटिटी कितनी है वो आपको यहाँ पे पिक करना है, उसकी टैक्सेबल वैल्यू टोटल मीन्स वो प्रोडक्ट के लिए आपने फिर स्टेट में बेचा है, इंटर स्टेट बेचा है, कोई भी, तो वो पूरी टैक्सेबल वैल्यू अपने आप यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, ये अकाउंटेंट आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आपकी अकाउंटिंग वगैरह होती होगी तो इसमें ये डिटेल अपने आप मिल जाएगी आपको। देन रेट ऑफ टैक्स जो है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा और सारी डिटेल यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, तो HSN वाइज भी आपको ये डिटेल मीन्स अगर टैली में आप रिकॉर्ड रखते हो तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट से आप GSTR 1 का जो PDF है वो अगर डाउनलोड कर लोगे तो ये सारी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाती है। अदरवाइज़ HSN वाइज जो डिटेल उसमें मिलती है वहाँ से भी आप ये पिक कर सकते हो। चलिए, तो HSN वाइज भी आपको यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर आपकी इन्वेंटरी बहुत बड़ी है तो वो वाले केस में आपको ये अकाउंटिंग होती होगी और ये सारी डिटेल आपको अकाउंटेंट के पास से मिल जाएगी। देन डॉक्यूमेंट इश्यू, जो भी डॉक्यूमेंट आपने इश्यू किए होंगे तो उसकी डिटेल देनी है, जैसे आउटवर्ड सप्लाई का इनवॉइस रेज क्या होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन को इनवॉइस दिया होगा, रिवाइज इनवॉइस होगा, डेबिट नोट होगा, क्रेडिट नोट होगा, रिसिट नोट होगा, पेमेंट वाउचर, तो जो भी मीन्स जितने भी आपने डॉक्यूमेंट रेज किए होंगे उसकी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। हो सकता है कई सारे आपको एप्लीकेबल भी ना हो, ये भी हो सकता है, तो उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है, जो भी आपको एप्लीकेबल है वो प्रोवाइड करनी है। चलिए, सारे टेबल हमने देख लिए, एक ये अनरजिस्टर्ड वाला रह गया तो इसे भी मैं छोड़ता नहीं, आपको दिखा देता हूँ कि इसमें भी कुछ है नहीं। सिंपली आपको क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने रेज किया होगा तो उसकी डिटेल देनी है। जैसे हमने रजिस्टर पर्सन को रेज किया था वैसे ही देखिए यहाँ पे B2BL को रेज किया है, मीन्स लार्ज B2C लार्ज था, उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। देन एक्सपोर्ट विथ पेमेंट, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट उसकी डिटेल है, तो उसके अंदर भी आपने क्रेडिट नोट या डेबिट नोट रेज किया है तो ये सारे जो भी ऑप्शन है वो आपके लिए एप्लीकेबल होंगे तो आपको बताने हैं, अदरवाइज़ इसे भी हम बैक करेंगे। चलिए, इस हिसाब से आपको ये पूरे रिटर्न की जब डिटेल हो जाएगी तो जनरेट समरी करना है आपको। ओके, प्रीव्यू देखना है तो आपको PDF में उसका प्रीव्यू भी मिल जाएगा, तो PDF में आप प्रीव्यू भी देख पाओगे कंफर्म करने के लिए। देन आपको सिंपली इसे सबमिट करना है, सबमिट करते वक्त एक बार आपको पूछा जाएगा तो आपको कंफर्म करना है, सबमिट हो जाएगा। देन फाइल रिटर्न जैसे करोगे तो जो भी पर्सन है जो GST में रजिस्टर्ड होगा उसके ऊपर भी OTP जाएगा, या फिर डिजिटल सिग्नेचर है आपके पास तो उससे भी आप ये चीज़ें कर पाओगे। तो 3-4 ऑप्शन होते हैं, उससे आप रिटर्न फाइल कर पाओगे। बेस्ट ऑप्शन रहता है जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा या ईमेल होगा उसके ऊपर OTP जाएगा और वो OTP आप प्रोवाइड करोगे तो आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप GSTR 1 को फाइल कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो में काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आई गेस के सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि GST से जुड़ी ऐसी ही बेहतरीन वीडियो हम फ्यूचर में भी आपके लिए लाते रहेंगे। मैं हूँ रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।